हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हम आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर्स। देखिए पॉइंटर्स क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंटर जो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, जो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, टू पॉइंट समथिंग। सो देखिए क्या है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हमें। पॉइंटर इज अ वेरिएबल, क्या है पॉइंटर, एक वेरिएबल होता है दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, यूजली द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इन द मेमोरी। मतलब जो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्या करता है, किसी का एड्रेस होल्ड करता है, मतलब सिंपली किसी को पॉइंट करता है। अ पॉइंटर इन सी इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम ऑल्सो, जिसका यूज रन टाइम में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। देखिए सच में डिक्लेयर करने का तरीका वही है जैसे हम क्या करते हैं अभी तक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है क्या, हम उसके आगे स्टार का सिंबल लगा देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक का सिंबल, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का, हमारा पॉइंटर टाइप का है। वेर नेम, जो भी वेरिएबल नेम देना चाहते हैं आपके आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेमीकोलन, टर्मिनेटर, सी फ्यू एग्जांपल्स। सपोज मैं कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रही हूं, पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिखा इंटीजर, डेटा टाइप हो गया। एस्ट्रिक आईपीटीआर, सॉरी आईपी, आपको पॉइंटर वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, आईपी, तो पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, और क्या कह सकते हैं इसे, पॉइंटर टू एन इंटीजर, क्योंकि ये पॉइंटर क्या करेगा, इंटीजर टाइप का है। ऐसे आपको डबल टाइप का डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप आप डबल रखिए और एस्ट्रिक डीपी, पॉइंटर टू अ डबल, फ्लोट एस्ट्रिक एफपी, पॉइंटर टू अ फ्लोट, और कैरेक्टर टाइप का है तो आप कैर लिखिए डेटा टाइप, एस्ट्रिक सीएच, जो भी वेरिएबल नेम देना चाहते हैं पॉइंटर को, जो भी वेरिएबल नेम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, तो पॉइंटर टू अ कैरेक्टर हो जाएगा। सो आपने देखा कि इस ये है तरीका, दिस इज द मेथड हाउ वी कैन डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल, वेरी इजी। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तरीका तो वही है, बस एक क्या है, उस वेरिएबल के आगे क्या लग गया, स्टार का सिंबल लग गया, एस्ट्रिक लग गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दो सिंबल यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दो सिंबल जो यूज होते हैं पॉइंटर्स में। एक होता है हमारा एंड का सिंबल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्परसेंड साइन, क्या बोलते हैं, एम्परसेंड साइन, और दूसरा एस्ट्रिक का साइन। अब देखिए एम्परसेंड डिनोट करता है कि एड्रेस, एम्परसेंड क्या करता है, डिटरमाइंस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल का एड्रेस डिनोट करता है, और अगर किसी वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक लगाते हैं तो क्या करेगा, एक्सेसेस द वैल्यू ऑफ द एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो बताएगा कि उस वेरिएबल ने जो एड्रेस होल्ड कर रखा है, उस वेरिएबल ने जो एड्रेस होल्ड कर रखा है उस पर वैल्यू क्या है। देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर b इक्वल टू 500, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब मैंने b डिक्लेयर किया है, b में वैल्यू है कोई, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, b की जगह हम क्या कर लेंगे यहाँ पे x कर लेंगे, आप इसमें चेंजेस कर लीजिएगा प्लीज, b की जगह आप क्या करेंगे यहाँ पे x अज्यूम कीजिए। ठीक है, और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और एस्ट्रिक पीटीआर जैसे हम करते तो एम्परसेंड जो हमारा x का एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, हमारा असाइन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें करेक्शन कर दिया है, देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, ठीक है, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एस्ट्रिक ptr, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। अब ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमें पता है कि क्या होल्ड करता है, एड्रेस, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, तो देखो इस वेरिएबल में मैं क्या डाल रही हूँ, ptr इक्वल टू, क्या डाल रही हूँ, ptr इक्वल टू, इस वेरिएबल में देखिए ptr में क्या, देखिए ptr में क्या डाल रही हूँ, ptr इक्वल टू एम्परसेंड x। जब हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब उस एड्रेस, वो एड्रेस हमारा किस वेरिएबल में जा रहा है, पीटीआर में,
मैं पीटी पॉइंटर में कोई एड्रेस असाइन कर रही हूँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफरेंसिंग. क्या बोलते हैं? रिफरेंसिंग. और सपोज मैं उसको प्रिंट करूं, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है जो एड्रेस इस पॉइंटर ने पीटीआर ने होल्ड कर रखा है. जो भी एड्रेस एक्स का एड्रेस पीटीआर ने होल्ड कर रखा है उस पे वैल्यू क्या है, अगर मैं वो प्रिंट करती हूँ, देखिए, तो क्या हो गया? डी रेफरेंसिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? डी रेफरेंसिंग. चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं. देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, दिस इज द मेन प्रोग्राम, ये हमारा मेन प्रोग्राम है. मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है 20, इसको दी है वैल्यू. वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर और उसको वैल्यू असाइन किया 20. इंटीजर एस्ट्रिक पीटीआर, पीटीआर किया हमें, और पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड वेयर. ठीक है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ठीक है, अब इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में मैंने क्या किया, इसका एड्रेस कंप्यूटर की मेमोरी में इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो पीटीआर को मिल जाएगा. और पीटीआर, क्योंकि हमें पता है क्या है, पॉइंटर क्या करता है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है, अब देखते हैं क्या है, अब इसने एड्रेस होल्ड कर लिया, अब मुझे क्या करनी है, कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है. तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल पैर की क्या है, 20 प्रिंट कर देगा. वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक पीटीआर वेरिएबल, पीटीआर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, मतलब इसने याद रखना वैल्यू क्या है उस एड्रेस पे, इसका एड्रेस नहीं, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है. ठीक है, तो हम देखते हैं, रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, कंट्रोल F9, देखिएगा. देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इक्वल टू 20 और वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक पीटीआर वेरिएबल क्या है, 20. दोनों की वैल्यू सेम है. क्यों? जब मैं प्रिंट करते वक्त इस वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक का सिंबल लगा देती हूँ, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल के आगे, इसका मतलब ये है कि पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है, पीटीआर ने जो एड्रेस ले रखा है किसका, वेयर का एड्रेस ले रखा है. पीटीआर ने किसका एड्रेस ले रखा है, वेयर का, उसमें क्या वैल्यू है, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, इससे वो एक्सेस होगी. पीटीआर ने जो एड्रेस होल्ड किया, पीटीआर ने किसका एड्रेस होल्ड किया, वेरिएबल का. अब उस एड्रेस पे पीटीआर का जो एड्रेस है उस पे क्या वैल्यू है, तो पीटीआर तो देखिए किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल को ही, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसी को और थोड़ा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाती हूँ. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे.